प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग आठवीं कक्षा के गणित के अभ्यास 2.5 के शेष प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग मैंने इसके 7 प्रश्न हल कर चुके हैं, तो आज इसके शेष 3 प्रश्नों को हम देख लेंगे, मैंने 8वां प्रश्न, 9वां और 10वां। तो देखिए, 8वें प्रश्न में तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, 8वां प्रश्न है कि 0000 और 53361 का वर्गमूल। तो देखिए, इस अभ्यास में भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के ही ज़्यादातर प्रश्न हैं। तो देखिए, इस प्रश्न का भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो भाग विधि ऐसा नहीं लिखा है, विधि आप कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन चूंकि संख्या ऐसी है कि इसका वर्गमूल भाग विधि द्वारा आप ज्ञात करेंगे तो बड़े ही सहजता से आप ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो सबसे पहले आप संख्या को लिख लीजिए, 0000 और 53 और फिर 361। देखिए, यह संख्या है और सबसे पहले दाईं ओर से आप जोड़े बनाइए। तो देखिए, 61 का एक जोड़ा बन गया, 33 का एक जोड़ा बन गया, 05 का एक और ये फिर 20, इसका भी एक जोड़ा बन गया। तो देखिए, अब आप प्रश्न को इस फॉर्मेट में ऐसे लिख लें। अब देखिए, यहाँ पर जितने जोड़े बने हैं उतने ही अंकों में हमारा उत्तर आएगा। तो देख लेते हैं कितने जोड़े बने हैं, 1 2 3 4, माने दशमलव के बाद 4 जोड़े बने हैं, तो दशमलव के बाद हमारे उत्तर में 4 अंक होंगे। तो देखिए, पहली बार तो आप 0.0 यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद ही हमारे उत्तर आएंगे। अब देखिए, पहला जोड़ा 0.0 का है, तो आप 2 0 है तो 1 0 आप यहाँ लिख लीजिए। अब देखिए, अगला जोड़ा है 0.5 का, तो यहीं से हम हल करना शुरू करते हैं। तो 0.5 के लिए एक ऐसी संख्या आप ढूंढिए जिसका वर्ग 5 से कम हो, तो वह संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ हमने 2 लिख लिया, इसके नीचे भी 2। अब 2 का गुणा 2 2 4 यहाँ लिखा जाएगा। अब यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो देखिए, 5 में से 4 गए 1, अगला जोड़ा हमने उतार लिया 33 का, और यहाँ पर क्या हुआ, 2 2 4 हो गए। तो अब देखिए, यहाँ पर एक ऐसी संख्या हमको रखनी है कि इस संख्या में उसी संख्या से आप गुणा करेंगे और गुणनफल 133 से कम हो। माने यहाँ यदि आप 2 लिखते हैं तो इस 42 में फिर आपको 2 से ही गुणा करना होगा और गुणनफल 133 से कम हो। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 3 बार हम जा सकते हैं। तो देखिए, 3 हमने लिखा। अब देखिए, 3 3 9 और 3 4 12, माने 129 प्राप्त हुआ। अब घटा लीजिए, 13 में से 9 गए 4 और बस यही। अब अगला जोड़ा आप उतार लीजिए, 61 है। अब यहाँ जोड़िए, 4 और 3 3 है 6 हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे 461 आया और यहाँ पे एक संख्या हम लिखेंगे, अब फिर इस पूरी संख्या में उसी से गुणा करना है। तो यहाँ यदि हम 1 लिख दें तो एक बार जाएंगे तो 461 एकम 461। इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा और इस वर्गमूल का उत्तर आपका आ जाएगा, माने 0.0231। तो भाग विधि द्वारा इस संख्या का वर्गमूल माने ज्ञात किया गया और जिसका यही उत्तर है, तो लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट वर्गमूल बराबर 0.0231। तो बिल्कुल यही आपका माने इस प्रश्न का हल है। तो 9वें प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। तो 9वां प्रश्न भी ऐसे ही वर्गमूल का प्रश्न है। तो इस प्रश्न में देखिए कह रहा है, 9वां प्रश्न इसमें दिया है 804609, 804609 का वर्गमूल। देखिए, किस विधि से वर्गमूल ज्ञात करें,
इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, मैंने इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, बस इतना ही आप समझिए। तो देखिए इस प्रश्न का हल मैंने भाग विधि द्वारा ही हम कर लेते हैं, क्योंकि भाग विधि द्वारा आप करेंगे तो आराम से प्रश्न हल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप संख्या लिख लें 80469। अब देखिए दाहिनी ओर से दो दो अंकों के यदि हम जोड़े बनाएं तो एक जोड़ा 09 का और दूसरा 46 का और ये लास्ट वाला 80 का, तो तीन जोड़े बन गए। तो तीन जोड़े बनने का तात्पर्य है कि हमारा उत्तर तीन अंकों में आएगा। देखिए पहला मैंने जोड़ा जो है वह 80 का है। अब 80 के लिए एक ऐसी संख्या यहाँ आप लिखिए कि जिसका वर्ग 80 से कम हो। तो जैसे यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो 8 × 64, लेकिन 9 का वर्ग करते हैं तो 9×81 ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 8 संख्या हम पहले लेंगे तो 8 को हम ऐसे तीन बार लिखेंगे। अब 8 का 8 से गुणनफल यहाँ लिखा जाएगा तो 8×64। अब आप घटा लीजिए, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस, तो 10 में से 4 जाएंगे 6 और 7 में से 6 जाएंगे 1। अब अगला जोड़ा हमारे पास है 46। अब देखिए 8, 8, 16 आप जोड़ लेंगे। अब देखिए 16 के दाईं ओर एक ऐसी संख्या हमें लिखनी है, जो संख्या यहाँ लिखेंगे उसी संख्या से इस पूरे में गुणा होगा और गुणनफल मने 1646 से कम होना चाहिए। तो देखिए हम कितनी बार जाएं, तो देखिए यहाँ यदि हम 6 को हटा दें और यहाँ पर एक अंक, तो 16 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 164 से कम जाए, तो आपको अनुमान कुछ मिलेगा कि हम कितनी बार जाएं। तो देखिए यहाँ पर 16×160 हो जाता है, लेकिन 10 बार आप तो जा नहीं सकते, तो अधिकतम 9 बार। तो 9 बार इसको जाना चाहिए, ऐसा केवल अनुमान है। यदि नहीं जाता तो आप समझिए एक अंक आगे पीछे हो सकता है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ हम 9 बार जाकर देख रहे हैं, तो देखिए 9 एक बार हमने यहाँ लिखा और एक 9 इसके नीचे, और आपका ये उत्तर है, यहाँ पर भी एक 9 हमने लिख दिया। अब 9 का पहाड़ा 169 में पढ़िए, मैंने 169 में 9 से गुणा करिए और गुणनफल यहाँ आपको लिखना है, और गुणनफल 1646 से कम होना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा गुणनफल हो रहा है तो आप 9 के बजाय 8 बार ही जाएंगे, मैंने 8 संख्या यहाँ पर 8 लेंगे। तो 9 से हम देखते हैं 9×81 के 1 और हासिल आपके 8 आया, 9×54 और 54×8 मैंने 62 हो गया, 62 के 2, 6×9=9, 9×6=15। तो हम देख पा रहे हैं कि मैंने 1646 से संख्या यह कम है, तो ठीक है यही होना भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस कर देंगे हम चिन्ह और यहाँ पर माइनस, तो देखिए घटा लीजिए आप पहले, 6 में से 1 जाएंगे तो 5 बचेगा और 4 में से 2 जाएंगे 2 बचेंगे और 6 में से 5 गए 1 बचा। अगला जोड़ा हमारे पास है 09 का, उसे हमने उतार लिया। तो यहाँ पर संख्या हमारे पास आ गई 12509। अब यहाँ देखिए 8, 9, 9, 18 के 8 और 6×7=178 संख्या प्राप्त हो गई। अब देखिए दाहिनी ओर हमें एक ऐसा अंक लेना है कि जो अंक लेंगे और उसी अंक से इस पूरी संख्या में गुणा होगा और गुणनफल आपका 12509 के बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या हम कौन लें, तो देखिए इधर से हम दो अंक छोड़ दे रहे हैं और यहाँ भी हम दो अंक छोड़ेंगे, क्योंकि 8 के बगल कोई ना कोई अंक तो ज़रूर लिखा जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 125 बचता है और यहाँ पर 17 बचता है, तो 17 से 125 में हम पहाड़ा पढ़कर देखेंगे भाग देकर कि कितनी बार जाया जा सकता है। तो देखिए तो 17×85 17×6=102 17×7=119 और 17×8=136 हो जाएगा, तो 8 बार तो ज़्यादा हो रहा है, 7 बार इसे जाना चाहिए। हालांकि यह केवल अनुमान है, सर्वथा यह सत्य नहीं है। तो एक तो मैंने केवल अंदाज़ा लगाने के लिए आपको ऐसा नियम बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक संख्या माइनस मने यहाँ हमेशा रहती है, एक उसे और एक इधर वाली। अच्छा, तीन संख्या भी जोड़ करके आप चेक कर सकते हो, चाहो तो यहाँ मने 78 को काट दो, 509 यहाँ पूरा काट दो, ऐसा भी कर सकते हो संख्या जब बहुत बड़ी होने लगे तब। तो यहाँ बहरहाल हमने सिर्फ दो अंक काटे, 09 यहाँ से माइनस किया और 8 के बाद इधर जो भी अंक है उसे हमने माइनस किया। अब 17×125 में पढ़ के पहाड़ा देखा तो लगभग 7 बार बन रहा है, तो 7 बार हम जाएंगे और अगर मैंने 12509 से ज़्यादा हो रही है संख्या यहाँ पर आ रही है तो हम 6 बार भी कर सकते हैं।
तो चलिए सात बार देखते हैं। तो सात यहाँ एक लिखा, मैंने तीन बार हमने सात लिख दिया। अब देखिए सात से इस पूरी संख्या में गुणा करें, गुणनफल इसके नीचे लिखना है। तो सात सते उनचास के नौ। अच्छा एक चीज़ और आप जान लीजिए कि जब ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं, तो नौ आना भी चाहिए। तो नौ तो या तो तीन संख्या ऐसी है जो नौ प्रदान करेगी, या तो सात है। लेकिन यदि हम तीन बार जाएंगे तब तो बहुत कम है भाई, क्योंकि ये माने आपका बन रहा है यहाँ पर 1700, 178 है ये है, यहाँ पे 12500। तो नौ बार वैसे भी मैंने समझ में आ रहा है कि ये जाएगा सात बार। तो सात सते उनचास के नौ और हासिल चार, और सात अठ छप्पन चार साठ के जीरो हासिल छः, और सात सते उनचास और उनचास एक पचास पाँच पचपन के पाँच और हासिल पाँच, सात एकम सात पाँच बारह। तो देखिए मैंने अब घटाएंगे तो पूरी संख्या यह शेष फल शून्य आपका हो गया। तो देखिए अब आपका मैंने वर्गमूल निकल आया 897। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अतः अभीष्ट वर्गमूल बराबर 897। तो देखिए भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के अब बहुत सारे प्रश्न इस अभ्यास में थे। अब बहुत सारे क्या नौ प्रश्न अभी तक हमने हल किए और सारे प्रश्न वर्गमूल के ही थे। तो गुणनखंड विधि से भी कुछ वर्गमूल हमने हल किए और भाग विधि से भी कुछ प्रश्न हल किए। अब देखिए एक प्रश्न इसमें और शेष है, उस प्रश्न को भी हम हल करके आज इस अभ्यास को समाप्त कर देते हैं। तो देखिए अब जो अंतिम प्रश्न है वह इस टाइप का नहीं है, इबारती प्रश्न जैसा है। तो देखिए प्रश्न हम लिख रहे हैं, कह रहा एक वर्गाकार, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 वर्ग मीटर है, वर्ग मीटर है। फिर कह रहा है खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 वर्ग मीटर है और खेत की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए वर्ग माने वर्ग हम जानते हैं कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अब बराबर होती है उसे ही वर्ग कहा जाता है। और वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपके सामने दिया हुआ है, तो वर्ग हम जानते हैं कि जैसे एक वर्ग है यह, इसका क्षेत्रफल यदि हम कह दें 25 है तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र माने यही है कि लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा जब यहाँ लंबाई 5 तो चौड़ाई भी तो 5 है, क्योंकि वर्ग की तो चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो जब 5 से 5 का गुणा किया तभी तो 25 प्राप्त हुआ। अब यदि 25 हमारे पास है, अब इस 5 को खोजना हो तो आप क्या करेंगे, तो 5 का वर्ग है, तो फिर वर्ग जब है तो इसका वर्गमूल है 5। तो मैंने जब इस प्रकार का प्रश्न हो कि वर्गाकार खेत का यह क्षेत्रफल है तो उस वर्गाकार खेत की भुजा बताइए, तो आप हमेशा जानिए कि आपको वर्गमूल ही ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में कुछ नहीं है, खाली इसका वर्गमूल आप ज्ञात कर लेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए देखिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम यही मान लेते हैं कि माना खेत की भुजा की लंबाई बराबर यक्स मीटर। तो माना खेत की भुजा की लंबाई बराबर यक्स मीटर। अब देखिए जब भुजा की लंबाई आपने यक्स मीटर मान ली और खेत कैसा है वर्गाकार, तो यहाँ पर आप वर्गाकार भी लिख सकते थे, वर्गाकार खेत की भुजा। हाँ तो बना लीजिए इसे वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई है यक्स मीटर। अब जब खेत वर्गाकार है, वर्गाकार है और माने एक भुजा यक्स है,
तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल मैंने लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई भी जो है वही चौड़ाई भी है, तो इसका मतलब कि यक्स गुणे यक्स होगा, तो बराबर यक्स स्क्वायर होगा। तो अब हम वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, जब हमको एक भुजा मैंने ज्ञात है वर्गाकार खेत की, तो इसका क्षेत्रफल हम क्या करेंगे, यक्स स्क्वायर हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो वर्गाकार, इसलिए वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर यक्स गुणा यक्स, अब बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई यक्स मीटर है और उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे, तो यक्स गुणा यक्स बराबर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, अब प्रश्न में क्षेत्रफल दिया हुआ है यक्स स्क्वायर बराबर 101 सही 1/400, यह दिया हुआ है। तो मैंने हमारे हिसाब से हमने जो बनाया वर्गाकार क्षेत्र मैंने खेत का क्षेत्रफल यक्स स्क्वायर और यक्स स्क्वायर वर्ग मीटर, और यहाँ पर 101 सही मैंने 1/400 वर्ग मीटर प्रश्न में आपके दिया हुआ है, तो इसी को आप हल कर लें तो प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो पहले आप इस मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदल लीजिए, तो इसके लिए क्या 101 में 400 से गुणा कर दीजिए, 101 में यदि हम 400 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 4 × 4 = 400, 4 × 4 = 4, माने 40,400, और एक इसमें जोड़ भी दीजिए आप, क्योंकि साधारण भिन्न में बदल रहे हैं, तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा 40,401, 40,401 बटे 400। देखिए यक्स स्क्वायर बराबर इतना अब मीटर स्क्वायर दिया है, तो आप लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखिए अब प्रश्न आपका बेहद आसान हो गया। अब एक चीज़ आप समझ लीजिए यहाँ थोड़ा सा, कि यक्स माने घात यक्स पर लगी है दो, और इधर कोई घात नहीं है, तो यदि किसी माने घात यहाँ पर दो लगी है और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह घात वर्गमूल के रूप में बन जाएगी। माने यदि हम यक्स बराबर कहें तो यक्स बराबर जब हम कहेंगे तो यहाँ पर करणी लग जाएगी, तो यहाँ पर मान इसका हो जाएगा 40,401 बटे 400। अब देखिए यहाँ आप समझ लीजिए कि यक्स स्क्वायर था और जब हमने स्क्वायर हटाया माने घात दो हटाई, तो उस पक्ष में क्या हुआ कि करणी का चिन्ह लग गया, करणी का चिन्ह। और ऐसा भी आप समझिए कि घात 1/2 हो गई, यदि किसी पर घात दो लगी है उसका आप दूसरे पक्ष में पक्षांतर करते हैं तो वह घात 1/2 हो जाएगी, और 1/2 का मतलब होता है वर्गमूल। अगर किसी संख्या पर 1/3 घात लगी है तो इसका मतलब क्या होता है, घनमूल। तो आप समझिए अगर यक्स स्क्वायर लिखा है, यक्स स्क्वायर बराबर मान लीजिए 25 लिखा है, तो यक्स बराबर क्या होगा, 25 का वर्गमूल, तो स्क्वायर हट गया। और यदि यक्स क्यूब लिखा है और बराबर 125 लिखा है तो यक्स बराबर क्या होगा, 125 का घनमूल, 125 का घनमूल हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि अगर यक्स से आप घात दो, घात तीन या घात चार हटाएंगे तो उतना ही करणी में वह अंक आ जाएगा। तो यक मैंने इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो देखिए और मैंने 40,401 है, इसका वर्गमूल यदि आप भाग विधि द्वारा ज्ञात करेंगे तो बड़ी आसानी से आप ज्ञात कर लेंगे। तो वैसे इसके गुणनखंड यहाँ पर हो जाएंगे 201 अगुणे 201, तो इसे करणी में हमने रख दिया, और बटे 40 का करेंगे तो 20 × 20 हो जाएगा। तो देखिए गुणनखंड हमने कर लिए कि 40,401 का 201 × 201 और 400 का 20 × 20, तो जिसका जोड़ा बनता है वो करणी से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 201/20, माने यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 201/20। अब यदि और हम इसे सरल करते हैं तो आप फिर भाग दे दीजिए, तो 20 × 200 होता है। अब 20 × 200 हो गया, अब एक शेष बचा,
अब बटे 20 माने 10 सही 1/20 मीटर, यही एक्स की वैल्यू है और यही आपका उत्तर है। तो आप समझ लीजिए कि हमने माना था कि वर्गाकार खेत की भुजा की लंबाई बराबर एक्स मीटर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10 सही 1/20 मीटर, ऐसा आपका उत्तर आ गया। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हल हो गया। तो आज इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हमने हल किया और कल हम अगले अभ्यास को देखेंगे, माने अभ्यास 2.6 के प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिए। बस धन्यवाद।